भाई बाढ़ को कैसे हो दोनों? बढ़िया। ये देख रहो, अभी देखना जैसे जाएंगे देखना अटैक की मुद्रा में आ जाए। ये तो ये दोनों जो है लगभग 15-20 दिन के हो चुके हैं और खाने पीने का इंतजाम इनका सारा है। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। दिस इज भास्कर, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल डांसर ऑन व्हील्स में और होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो गाइज, आज है 17th of March, बोले तो छोटी होली और कल है होली, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। तो गाइज, आज हमारा प्लान है फाइनली हम जाके देखेंगे दी कश्मीर फाइल्स। तो बहुत टाइम से, जब से मूवी की बात चल रही थी, मुझे ये मूवी देखनी ही थी, तो काफ़ी दिनों से थोड़ा बिजी चल रहे थे, तो आज फाइनली टाइम मिला है और टिकट्स हम ऑलरेडी बुक करा चुके हैं। और टाइम अभी हो रहा है 9:12 और टिकट है हमारी 10 बजे की, तो जल्दी से चलते हैं। तैयार व्यार हो चुके हैं, नाश्ता कर लिया है। और मेरे पीछे जो आप ये गद्दा देख रहे होंगे, ये एक्चुअली इसी बेड का है जिसपे मैं सोता था। तो मुझे ना ये गद्दा सूट नहीं करा, मेरे कमर में दर्द होने लगा था पिछले 10-15 दिन से। तो फिर मैंने सोचा एक बार हटा के ट्राई करते हैं कि इसकी वजह से या कोई और रीज़न है। तो फिर मैंने नॉर्मल रुई वाला गद्दा बिछाया जो हार्ड बिल्कुल, तो अब थोड़ा बेटर है। तो ये जो महंगे अंग्रेजी गद्दे हैं, ये अपने को सूट नहीं हुए, अपन देसी बंदे हैं तो देसी तरीके से ही सोएंगे आपसे। तो बाइक को कर देते हैं होल स्टार्ट तक तक। और ये हम पहुंच चुके हैं एकेडमी। एकेडमी पे एक्चुअली हमें सामान रखना था क्योंकि फिर बैग वैग रखने में दिक्कत होती है मॉल में, तो अब सिंपल बस जल्दी से जाएंगे। और बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रहे हैं, 9:30 बज चुके हैं। और साथ में हमारे जा रही है रिजवाना। हेलो बोल दे भाई, मुंह में आवाज नहीं है तेरे? हाँ तो आगे ले बाबा, हम लोग आगे ले। तो पहुंच चुके हैं जी स्टार भारत मॉल और अभी हम लोग बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रहे हैं। 9:48 हो रहा है और तुम्हारे भाई ने गाड़ी लगा दी है, तो बस 12 मिनट है हमारे पास और वैसे भी 5-10 मिनट तो लेट होता ही है। तो एंट्री करते हैं। भाई साहब एक फोटो खींचना इधर इधर मेरी। हेलो, अरे सुनता नहीं है। तो गाइज, अभी इसके साथ इतना बढ़िया मजाक हुआ, गार्ड साहब ने इसको रोक दिया। तो मैंने बोला क्या हुआ, कह रहे 18 से कम तो नहीं है। मैंने यार देख रहे हो, ये होता हाइट छोटे रहने का नुकसान। इतनी छोटी नहीं। लेकिन लोल हो गया इसका। अपनी ऑडी की एंट्री हो चुकी है चालू, बहुत क्राउड है भाई साहब, हाउस फुल जाने वाला है। तो अभी हम लोग थोड़ा क्राउड कम हो जाए फिर एंट्री करते हैं। अब हम एंट्री करेंगे बिल्कुल सेंसा हो गया, खोला जाए ये द्वारपाल ने गेट खोला। तो गाइस अपनी सीट ग्रहण कर चुके हैं, जस्ट वेटिंग मूवी टू स्टार्ट। और मेरे दोस्त कैसा लगा थिएटर में बेइज्जती करवा के? अच्छा। इसका जो लोल हुआ है ना आज, मतलब कसम से मजा आ गया। मैं बोल रहा यार, टिकट तो मैंने दिखा दिए, सारी चीजें हैं, इसको पीछे ही रोक लिया। वो तो फिर चलो भले मानुस है, हमने सोचा कि चलो चले जाते हैं ले आते हैं, छोड़ देते ना तो मूवी रह जाती तेरी आज। तो गाइस फिलहाल ऐसा है कि मूवी देख के हम आ गए थे दिन में 1:30 के आसपास, फिर लंच वंच किया, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो फिर व्लॉग नहीं किया, अब जाके व्लॉग कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ मूवी की, तो यार मूवी मतलब ऐसी मूवीज़ जो होती है ना, डिकेड्स में या सालों में कभी एक आध बार मिलती है। और जितना मैं जानता हूँ मतलब कश्मीरी पंडितों के बारे में, जितना मैंने पढ़ा है एज अ हिस्ट्री के स्टूडेंट, तो काफ़ी कम दिखाया है मूवी में वैसे तो, बट फिर भी जो दिखाया है वो काफ़ी मतलब कहते हैं ना दिल को हिला देने वाला। तो ऐसी मूवी थी और पहली बार मैंने अपनी लाइफ में, हमने इतनी सारी मूवीज़ देखी हैं रिज, पहली बार मतलब पूरे थिएटर में पूरी मूवी में एक चूँ चपड़ की भी आवाज़ नहीं थी।
बिल्कुल साइलेंस होके लोग इतनी सीरियसनेस के साथ देख रहे थे और काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे। मीन्स मूवी काफ़ी इमोशनल कर देती है। बाकी मूवी एक नंबर है और जो एक्टिंग की है, किसी ने भी, सारे एक्टर्स, मतलब वर्ल्ड क्लास मूवी जिसे आप बोल सकते हैं, इसीलिए उसे सपोर्ट भी मिल रहा है पूरी दुनिया से। और जो दिखाई गई है वो आज तक किसी ने कभी इस बारे में बात नहीं करी, इसीलिए लोगों को पसंद भी आ रही है। तो होप करते हैं कि सबको जस्टिस जो है जल्दी मिलेगा। और इस मूवी से एक बात और समझ में आती है कि हम लोग कितने प्रिविलेज हैं। मतलब अपनी लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि यार हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, या हम कोसते रहते हैं कभी कभी ज़िंदगी को। बट उन लोगों का सोचो जो अपने ही देश में पूरे नागरिक होने के बावजूद भी एज अ रिफ्यूजी 30 सालों से रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप्स हैं ऐसे। अपने भी दिल को थोड़ा सा लगा था, थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, इसी वजह से बस चुपचाप वहाँ से निकले, आए, लंच वंच किया, फिर अब जाके ब्लॉग कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक भी आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जाओ, टाइम निकालो, मूवी देखो, 100% आपको पसंद आने वाली है। और आपको जानने को भी मिलेगा, जो यंग जनरेशन है, हमारे से छोटी जनरेशन है, जिनको नहीं पता इस बारे में, जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले कभी। तो बस इसी नोट के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और मूवी जाके ज़रूर देखना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।